bueno. तो आज है हम लोग का पूरी में तीसरा दिन और आज हम लोग आज चले जाएंगे। हाँ बीच में हम लोग नहा लेंगे, उसके बाद शाम में चलेंगे। शाम में ट्रेन आठ बजे ट्रेन है। तो आज हम लोग जा रहे हैं चिल्का लेक। और ये भैया ड्राइवर भैया, क्या नाम है भैया आपका? सुमन। जो कि हम लोग को ले जा रहे हैं चिल्का लेक घुमाने के लिए। देखते हैं वहाँ जाते हैं चिल्का लेक में क्या क्या है क्या नहीं। अभी ये गाड़ी हम लोग प्राइवेट बुक किए हैं। ये गाड़ी का प्राइस हम लोग का 2000 लगा, जो कि हम लोग बुकिंग करके लेके जा रहे हैं प्राइवेट अपना। तो चलिए आगे जाके मिलते हैं सीधे चिल्का लेक। तो अभी हम लोग बहुत मशक्क़त के बाद बोट राइडिंग में, मैं अभी आप लोगों को सारा सीन बताता हूँ अभी हम लोग के साथ क्या हुआ। जब हम लोग को जो गाड़ी में जो भैया लेके आए हम लोग को जो चिल्का लेक, वो भैया हम लोग को जो मेन चिल्का लेक बोटिंग सेंटर है उधर ना ले जाके, यहाँ से तो पूरा बोटिंग सेंटर है इधर उधर लेके आए साइड में। और इधर जो टिकट बुकिंग कर रहे थे वो बताएं हम लोग को टिकट का प्राइस कि हम लोग को शेयर में हम लोग टिकट नहीं ले सकते और बोट बुक करना पड़ेगा। अगर और हम लोग 13 कोई थे तो दो बोट बुक कर सकते थे, एक बोट का 4000 ऐसे करके बता रहे थे। तो इतना बजट हम लोग का हो भी नहीं रहा था। और बजट का क्या बात था, हम लोग को जो कल जो देव सर जो 9 जगह जहाँ पर हम लोग टूर किए थे वो सर हम लोग को बताए थे कि थोड़ा जो नए लोग होते हैं उन लोग को थोड़ा प्राइस ज़्यादा करके बताते हैं या फिर थोड़ा ठगने का कोशिश करते हैं। तो फिर अपने हिसाब से देख लेना, 4000 से ज़्यादा मत देना, 3500 से 4000 तक। तो फिर हम लोग बहुत देर बार्गेनिंग करने के बाद स्टार्टिंग में तो वो लोग बोलने लगा कि 9000 नहीं तो फिर 7000 दे दो, एक बोट में ही हम लोग सब कोई को लेके चल जाएंगे और ये डॉल्फिन और आइलैंड दो जगह घुमा देंगे। तो हम लोग भी रेडी हो गए थे। फिर उसके बाद फिर सर से बात किए तो सर बताएं कि 4000 से एक भी ज़्यादा नहीं देना। तो फिर हम लोग फिर ढेर देर बार्गेनिंग करने के बाद 4000 में अभी हम लोग डॉल्फिन और साथ में ये आइलैंड दोनों चीज़ हम लोग एक साथ कर रहे हैं। तो इसीलिए आप आइएगा तो सतर्क रहिएगा इन सब लोगों से बच के। जो ड्राइवर लोग होते हैं उन लोग का जो बुकिंग सेंटर होता है टिकट उनसे कांटेक्ट होता है, तो वो सब चीज़ अपने हिसाब से देख के और बार्गेनिंग, आप यहाँ आइएगा तो जितना बार्गेनिंग करिएगा आप लोग के लिए उतना ही अच्छा है। तो चलिए फिर इन्जॉय करते। यहाँ पे सामने एक डॉल्फिन है, आप लोगों को दिख रहा है कि नहीं? देख सकते हैं, बहुत मुश्किल से एक डॉल्फिन दिखा है अभी बहुत देर के बाद। तो हम लोग वहाँ पे डॉल्फिन देखने के बाद अभी आइलैंड की तरफ जा रहे हैं। तो चलिए आइलैंड की तरफ। भाभी के लिए ले जाइए, तोड़ के बनेगा ये कि एक पीस, मतलब कान का अगर बनाएगा तोड़ के? नहीं नहीं, दो लेना पड़ेगा, दो अंगूठी के लिए एक चाहिए। मोती कान बनाए
मकान का बन सकता है। तो फाइनली हम लोग 8 किलोमीटर चलने के बाद अभी आइलैंड के पास पहुंच चुके हैं। तो चलिए मैं एक बार आप लोगों का आइलैंड दिखा देता हूँ। ये पीछे आइलैंड इधर। ये आइलैंड जो झाड़ी दिख रहा है, झाड़ी का उस पार उधर सी बीच है, समुद्र है, और इधर ये है चिल्का लेक। दोनों के बीच में ये आइलैंड है छोटा सा। यहाँ पे अभी आगे जाके देखते हैं, उधर समुद्र की तरफ पार होके देखते हैं। क्या है रे वो, क्या चीज़ है? ये पेड़ है जो कि आइलैंड का बहुत पुराना वृक्ष है, सूखा हुआ। ये क्या चीज़ है देखिए, अगर आप लोग पहचान रहे तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा, मैं तो नहीं पहचाना। चलिए फिर आगे चलते हैं। भैया क्या चीज़ का पेड़ है? नहीं, अरे क्या चीज़ का फल है? नाम कुछ पेड़ का कुछ नाम तो होगा ना, नाम नहीं है। देख सकते हैं आप लोग, अगर कोई ड्रिंकिंग करने वाले हैं तो फिर आप लोग ड्रिंकिंग भी कर सकते हैं, बियर वियर मिलता है। फाइनली सी बीच में हम लोग पहुंच चुके हैं। देखिए ये पीछे का व्यू देखिए, आप लोग यहाँ आइए, घूमिए, एंजॉय करिए, लेकिन बस ब्रोकर से बच के, और बाकी तो फुल पैसा वसूल है। बहुत एंजॉय, मज़ा आ गया। वाह,